तो स्वागत है दोस्तों मेरा इस नए वीडियो में। आज की जो इस वीडियो है ना गाइज, ये वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोटो को HD में बना सकते हैं कैसे। तो आपको ये वीडियो को फुल वॉच करना है गाइज। अगर आप सीखना चाहते हो सच में फ़ोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है तो आपको ये वीडियो को फुल वॉच करना है गाइज। नहीं तो आप ये वीडियो को छोड़ कर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। लेकिन आपने इस पर अगर क्लिक किया तो एक बार ज़रूर से फुल वॉच कीजिए गाइज। मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, आप अपने आँखों में लेंस कैसे लगा सकते हैं और अपने लिप को स्मूथ कैसे, पिंक कैसे कर सकते हैं, फेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं, हेयर पर जो कट है वो कैसे मार सकते हैं, अपने हेयर को सीवी लुक कैसे दे सकते हैं। बस ये सब एडिटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको वीडियो सिंपली से फुल को वॉच करना है, तो चलिए वीडियो को सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले का जो हमारा स्टेप है गाइस, हम अपने फ़ोटो को स्नैपसीड में लेकर जाएंगे। तो मैं स्नैपसीड में इसे ओपन कर लेता हूँ। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए गाइस। अब अपने वीडियो में एंड तक बने रहें तो मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। देन आपको सबसे पहले ट्यून इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, सेचुरेशन को फुल्ली माइनस, एम्बियंस हाईलाइट्स को माइनस कर देना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना है गाइस, सैचुरेशन को फुल्ली माइनस कर देना है और एम्बियंस को थोड़ा सा मैं बड़ा पूरा कम किया हुआ, हाइलाइट्स को भी माइनस कर देना है, शैडोज को थोड़ा सा अप कर देना है। तो आप घबराइए नहीं गाइस, मैं आपको सेटिंग यहाँ दिखा रहा हूँ, आप सेटिंग को स्क्रीनशॉट सिंपली कर सकते हैं। इतना सेटिंग आपको रखना है गाइस। देन इसके बाद आपको कर देना है डन। इसके बाद आप लोगों को जाना है व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पर, यहाँ आपको क्लिक करना है। देन व्यू एडिट्स पर जाना है आप लोग को। व्यू एडिट्स पर क्लिक करने के बाद आपको ब्रश वाले साइज पर सिलेक्ट करना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। और जो ये यहाँ का जो सेटिंग है गाइस, यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी ऊपर हो तो ये देखिए, इसको डाउन रखना है, इसको जीरो रखना है, इसको अप रखना है गाइस। बस यही सेटिंग था हमारा। हम अपने फेस के जो एरिया सब्जेक्ट पर से इसको इरेज कर लेते हैं, बाकी एरिया को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो सिंपली मैं जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसको बढ़िया से इरेज कर लेता हूँ। ये लोग आप बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप लोग कीजिए गाइस। अगर आप बहुत अच्छी तरीक़ा से इसे करेंगे तो बहुत ही मस्त लगेगा हमारा फ़ोटो। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करना है। मैं आपको समय वेस्ट ना करने के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इसे कर रहा हूँ। आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करना है इसको गाइस। तो ये देखिए, मैं पहले ऊपर का जो पार्ट है उसको बढ़िया से इरेज कर रहा हूँ। आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से इसको इरेज कर लेना है। तो ये देखिए, देन मैं इसे अपने कपड़े पर से भी हटा लेता हूँ। तो मैं बहुत ही अच्छी तरीक़े से इसको इरेज कर लिया हूँ गाइस। आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से इसको इरेज करना है। मैं मानता हूँ गाइस कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी, लेकिन मैं इसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड बताने वाला हूँ, सीक्रेट ट्रिक्स, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है गाइस। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर तक एंड तक वॉच कीजिएगा आप लोग, तभी आप लोग पूरा एडिटिंग समझ पाएंगे। इतना कर देने के बाद सिंपली हमारा फ़ोटो हो जाता है डन। जो हमारा हेयर का साइड है उसमें थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, तो इसको मैं 100 कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा हटा लूँगा ग्रीन पर से। देन इतना आप लोगों को कर देना है डन गाइज। तो ये देखिए, हमारा फ़ोटो बहुत ही मस्त ब्लैक टोन में आ चुका है। तो अब हमारा जो स्टेप है गाइज, थोड़ा सा हम फोटो में ब्लर ऐड करेंगे। हमारा ब्लर थोड़ा सा कम लग रहा है, बहुत ही ग्रेनी लग रहा है हमारा फ़ोटो। तो इस पर फिर से टूल्स पर क्लिक कीजिएगा। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। उसमें एक लेंस ब्लर का ऑप्शन है, ये देखिए, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये अपने आप ब्लर हो जाएगा। इसका ट्रांजिशन को आप लोग को कम कर देना है, विग्निटी स्ट्रेंथ को माइनस कर देना है, ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है और यहाँ से इसको कर देना है डन। तो ये देखिएगा, हमारा फ़ोटो काफ़ी मस्त ब्लर हो चुका है। हम इसे अपने फेस पर से सिंपली इसको हटा लेंगे। व्यू एडिट्स पर जाने के बाद हम अपने इसको इन्वर्ट कर देंगे। इसको भी देखिए सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ।
आप लोग को 0-0 ही रखना है और यहाँ से अपने फ़ोटो को सिंपली जूम करना है और इसे अपने सब्जेक्ट वाले जो पार्ट है उसके ऊपर से इसको हटा लेना है गाइस। तो मैं इसको अपने सब्जेक्ट वाले पार्ट पर से हटा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी हटा रहा हूँ, आप लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे हटाना है गाइस ताकि हमारा फ़ोटो बेकार ना लगे देखने में। तो ये देखिए गाइस कितना मस्त हमारा ब्लर ऐड हो चुका है, बहुत ही झकास लग रहा है गाइस हमारा ब्लर। तो ये देखिए कितना मस्त लग रहा है हमारा फोटो, बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत ही झकास तरीके से लग रहा है। तो हमारा जो स्नैपशीट का जो काम था गाइस वो ओवरऑल हो चुका है, अब अपने फेस को हम स्मूथ करेंगे। तो बिफोर आफ्टर में आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग स्नैपशीट में क्या क्या किए गए। थोड़ा सा हम इस फोटो का स्ट्रक्चर बढ़ा लेते ताकि हमको बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथनेस मिले। इसका स्ट्रक्चर शार्पनिंग में थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। इतना करने के बाद इस फोटो को मैं शेयर कर लेता हूँ गाइस, देन इसको मैं शेयर पर बटन पर क्लिक करूँगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से मैं इस फोटो को लेकर चलूँगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, जिसमें हमारा फेस को स्मूथ करने का मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है गाइस। तो ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप मेरा ओपन हो चुका है। इतना करने के बाद आपको सिंपली टूल्स पर क्लिक कर देना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस, और आपने बहुत यूट्यूब वीडियो में भी बहुत सारे टूल का यूज देखा होगा कि इससे फेस स्मूथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। जो फेस स्मूथ का जो टूल बना है ना गाइस वो यही टूल है जो जिससे हम अपने फेस को बहुत ही HD में स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का टूल है ना गाइस वो फेस और हेयर पर कट मारने के लिए है। तो देन इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस टूल को और मैं सेटिंग्स पर चले जाता हूँ। इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हैं गाइस, एक एक रखना है और जो साइज़ है ना गाइस उसे अपने हिसाब से अपने रख लीजिएगा, अपने फ़ोटो के हिसाब से साइज़ को रखिएगा। देन मैं फ़ोटो को जूम करता हूँ और पहले इस वाले एरिया को स्मूथ करता हूँ। तो हमारा यह स्मूथ का हार्डनेस थोड़ा सा कम हो रहा है गाइस, तो मैं इसको बढ़ा लूँगा साइज और अब मैं इसे स्मूथ करूँगा। तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है हमारा फ़ोटो गाइस। आप लोग को भी कुछ इसी प्रकार से फेस को स्मूथ करना है, मैं थोड़ा सा जल्दी में बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से इतना फ़ोटो को स्मूथ कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस फ़ोटो को आप लोग जब भी स्मूथ करिएगा ना बहुत ही धीरे धीरे और चारों तरफ से घुमा कर कीजिएगा। अगर आप एक तरफ से फेस को स्मूथ करेंगे तो बहुत ही बेकार लगने लगेगा हमारा फ़ोटो, अच्छा नहीं लगेगा देखने में गाइस। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग स्मूथ कीजिएगा फेस को। तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूँ। और हाँ गाइस आप अपने फेस की कटिंग को देखिएगा कि किस शेप में हमारा फेस अच्छा लग रहा है, उसी शेप में आप अपने फेस को स्मूथ कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से अपने अपने फेस को स्मूथ कर लेना है गाइस। मैं इसी प्रकार से इस फेस को स्मूथ किया हूँ। इतना करने के बाद जो साइड साइड का जो पार्ट है उसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ। और अपने ईयर को भी मैं स्मूथ कर लेता हूँ गाइस। इतना करने के बाद जो हमारा फोटो को देखेंगे कि किस प्रकार से लग रहा है, अच्छा लग रहा है स्मूथ या नहीं लग रहा है, ये आपको देख लेना है। देन आपको जो गर्दन का साइड है गाइस उसको स्मूथ करना है। तो यहाँ से मैं गर्दन के साइड अपने से स्मूथ कर लिया हूँ, कर रहा हूँ। तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा बहुत ही हार्ड स्मूथ मांग रहा था गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इसे कर दिया हूँ वीडियो को फास्ट करके।
इतना करने के बाद गाइज जो हमारा फेस स्मूथ का जो काम था वो हो गया सिंपली। अब जो हमारा काम है गाइज अपने लेंस को ऐड करना, तो देन मैं आपको इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग, देन प्लस वाले आइकन पर आपको एक लेयर बना लेना है। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके एक लेयर बना लेता हूँ, फिर मैं टूल्स पर चलूँगा गाइज। टूल्स पर जाने के बाद आप लोगों को जो ये टिप मार्कर है ना गाइज इसको सिलेक्ट कर लेना है। हाँ, इसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग को आपको कुछ इतना रख देना है गाइज 2 और 87, और अपने फोटो को जूम कर देंगे गाइज। इसका कलर है आपको वाइट कर देना है, कलर को आपको ज़रूर से वाइट करना है गाइज। कलर पैनल में जाके आपको कलर को वाइट कर देना है, देन फोटो को जूम करना है और इस प्रकार से कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। और इस आई में भी उसी प्रकार से इसको ड्रॉ कर दीजिएगा गाइज। तो इतना करने के बाद हमारा फोटो का क्लैरिटी काफ़ी मस्त हो जाता है गाइज, हमारा जो आई है बहुत ही मस्त लगने लगता है। देन आपको इस पर जाना है, इसका कैपेसिटी को थोड़ा सा कम करना है रियलिस्टिक बनाने के लिए, तो मैं आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। देन इतना करने के बाद गाइज आप लोग को फोटो को शेयर करना है। यहाँ से मैं शेयर बटन पर क्लिक करूँगा, फोटो को आप लोगों को सिंपली शेयर करके आदर्स पर ले जाना है। इतना करने के बाद आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करना है, और जो हमारा फेस देख रहे होंगे आज बहुत ही बेकार थोड़ा सा लग रहा है, हमारे फेस को थोड़ा सा ब्राइट करना है। तो देन हम टूल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग टूल्स पर क्लिक करेंगे गाइस और सेलेक्टिव वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और सेलेक्टिव के ऑप्शन को चूज करने के लिए इस पर इतना कर देना है, फेस को आपको ब्राइट कर देना है, ब्राइटनेस बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, सेचुएशन को थोड़ा सा माइनस की साइड रखना है। इतना करके आपको डन कर देना है। बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त हो चुका है। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं। तो इतना करने के बाद इसको कर देना है डन गाइज, और यहाँ का तक का जो हमारा काम था वो हो चुका है। अब हमारा बचा गाइज कि अपने लिप को पिंक कैसे कर सकते हैं और हेयर को सीवी रीटिंग कैसे कर सकते हैं। हेयर को सीवी रीटिंग बनाने और लिप को पिंक करने के लिए हमको पिक्सार्ट ऐप का ज़रूरत पड़ेगा गाइज। तो हम पिक्सार्ट को सिंपली यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पिक्सार्ट ओपन हो रहा है गाइस, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर ओपन हो चुके, इतना करने के बाद गाइस आपको लिप को पिंक करना है, तो आपको रिटच एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स के बगल में, उस पर क्लिक करना है। देन इस पर क्लिक करने के बाद आपको हेयर कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एरो करके, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है सिंपली। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से कलर पैनल में पिंक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं पिंक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने फेस को जूम करूँगा। देन हमको लिप पर इसको पिंक करना है, तो सिंपली यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर देना है, देन इसको भी आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसका अमाउंट ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज हमारा जो लिप है बहुत ही मस्त तरीके से पिंक हो चुका है, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है देखने में, ये देखिए। देन हमको अपने हेयर को सिविल लुक बनाना है, तो एफएक्स पर हम लोग क्लिक कर देंगे सिंपली। इस पर क्लिक करने के बाद देन जो हमारा आर्टिस्टिक का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको आपको क्लिक कर देना है। और देन ऑयल पेंटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुम्हारा फोटो बहुत ही मस्त ऑयल पेंट हो चुका है, इसका अमाउंट हम लोग कम कर सकते हैं। देन आपको इसका जो डार्कन पार्ट है इसको लाइटन में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर ओवरले हमारा बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है देखने में।
देन इसको मैं इरेजर पर क्लिक करूँगा, इसको मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ और अपने फ़ोटो को जूम करके सिंपली इस पर इसको पेंट कर दूँगा। तो ये देखिएगा जो हमारा कितना मस्त हो चुका है पिक्सार्ट ऐप के अंदर ही। तो वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।